बढ़िया तबीयत पानी अरे लाजिर भी हो लेसन दिखियो कौन सिस्टम है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, केम छो, कैसे गाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग है जयपुर, और जयपुर है दिनेश भाई के और यूट्यूबर साहब के रूम पे। तो यूट्यूबर साहब और दिनेश भाई ने लाया हमारे लिए कचोरी। अरे रे अंकिता के लिए पोया आया है, क्या बात है। क्योंकि दिनेश भाई डाइट के सख्त खिलाफ ये बोल रहे, नहीं कचोरी नहीं खाने दूंगा, बहुत गर्मी की चीज है। तो दोस्तों हम लोग आ गए घर से नीचे, अब हम लोग जा रहे कटिंग, दाढ़ी वाड़ी सेट करवाने और कपड़े लेने। तो गाइज हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं, और इस भाई की कहानी बताऊं मैं तो, इसका मुझे नहीं पता था कि यूट्यूबर भी है, क्योंकि इसने 2 साल में 1000 भी सब्सक्राइब नहीं करे। बाइक तक बना दी इसने, 2 साल में इसने कम से कम 1000 वीडियो बना दी, इसका कोई वीडियो वायरल नहीं बेचारे का। तो मुझे और अंकिता को बहुत सारा दुख हुआ। अभी तो हम लोग है ना कटिंग वटिंग कराने जा रहे हैं, कपड़े वपड़े लेने जा रहे हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। चलो भाई लोगों में बैठ चुका हूँ, अब भैया कटिंग करने वाला, मैंने बता दिया इसको पोजीशन। तो भाई इस प्रकार की ना कटिंग करना है आप लोगों को। तो दोस्तों कटिंग करवा ली भाई, कुछ इस प्रकार का है, शेविंग वेविंग करवा ली, मुंह छोटा सा हो गया। मैं क्या कटिंग करवाता नहीं हूँ, करवाता हूँ ना 10 दिन पहले करवाता हूँ। यहाँ से कुछ कपड़े ले लेते हैं भाई, शॉपिंग कर लेते हैं एक दो जोड़ी। ये वाली ले ली ड्रेस, ना दो के रेडी हो चुके हैं। ये कपड़े में लाया था तो बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए, भैया भी वेट कर रहे होंगे, पोस्टवाल जी। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं पोस्टवाल जी, जो भी सिंगरों का एग्रीमेंट वगैरह हुआ है ना, और जो खुद यूट्यूबर है, खुद आर्मी में, उन पोस्टवाल जी ने हमको इन्वाइट किया है, तो उनके घर पे जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस अब निकलते हैं। गाइस इधर चल रहा है फोटो शूट, लेकिन फोटो वोटो सब हो गया कम्प्लीट, सिकंदरा खींचेंगे। चलो निकलो भैया, बात तो सही है। गाइज हम लोग आ चुके हैं कानोता, हम जा रहे थे सिकंदरा दोसा में। तो ये है भाई कानोता, तो यहाँ पे हम लोगों को लग रही थी भूख, फल फ्रूट दिखे तो जूस वाला भी दिख गया था। मैं कहा अंकिता भी जूस पिलेगी, हमने तो सोचा इतनी बड़ी दुकान है, अच्छा जूस मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं है। पपीता मिला, अंकिता का भी मौसम भी कुछ नहीं मिला, और वो भी बर्फ ही बर्फ मिला है भाई। हमने वापस अब खरबूजे लिए, चक्के देख मिठाई कैसा है, कैसी नहीं। तो दोस्तों हम लोग दोसा से 15 किलोमीटर पहले हैं, यहाँ पे एक सीएनजी पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे सीएनजी भरवा लेते हैं भाई। सब्सक्राइब मिल रहे हैं, अच्छा वो सब्सक्राइब है क्या, क्या हाल चाल भैया। राम जी, राम राम साहब, राम साहब, कैसे हो भैया, कैसे हो, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। हम भी बढ़िया भैया, हमें आपको देख के गाड़ी देखी पहले, तो फिर बहन जी देखी, देख के साइड में आ गए अभी। मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ हूँ तो लोकल गाइस, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में है क्या। चाय भी चलो, अनिता जी लेट चलो, यही मकान से मारो थोड़ा आगे। अरे भाई साहब निकलवा दू यार, बस 2 मिनट में, ज्यादा टाइम खराब कर। मैं गाइस 3 दिन से तुम्हें सोया कौन, मैं क्या सूझ रही है, पहली फोन कर दी तो चाय थान जाता है, रेडी मिलेगी चाय, फिर तुरंत। चलो ठीक है, चाय पी लो, मैं भी फिर सीधा दिल्ली निकलूंगा। गाइस हमें दिल्ली पुलिस वाला भैया सब्सक्राइब मिले, इनकी वाइफ है ना हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत बड़ी फैन है, फैन बोले तो हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। तो उसका एक सदस्य है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके घर पे चाय पानी पी के फिर निकलेंगे, ठीक है गाइस। राम राम जी। तो गाइस ये भैया आए दिल्ली पुलिस में खेरवाड़ के, तो इन्होंने अभी हमारी खातिरदारी स्टार्ट कर दी है, जूस वूस लाया, पानी वानी हमने पी लिया। भाई भाई बहुत बढ़िया दोस्त, राम जी बुलाया, सेवा अच्छा लगा आपको आने से। ये भाभी जी भी वीडियो बनाते हैं, तो इनको भी लाइक फॉलो करो, बाय बाय। सो गाइस निकलते हैं फाइनली डायरेक्ट पोस्टवाल जी के घर, अब कहीं नहीं रुकने वाले। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदरा में, ये आप सिकंदरा का बाजार देख सकते हो, जिसमें फल फ्रूट है और इधर सब्जी है, इधर सब आइटम दिख रहे हैं भाई हम लोगों को। पीछे की पार्टी तो पूरी सोने में लगी हुई है भाई, मस्त मजे से सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चला रहे हैं। ये भाई साहब को नींद आ रही थी 5 किलोमीटर से, बताया नहीं हमको, ठोक ठुका के और भगवान के पास भेजने की पूरी पूरी प्रक्रिया इसने बना रखी थी। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पोस्टवाल जी के घर पे। राम राम जी। आप कैसे हो भैया। हम लोग आ गए इनके घर पे, आपका परिचय। राजवीर जी पोसवाल, पोसवाल जी तो यहाँ पे है नहीं, धर्म सिंह जी तो वो आने वाले हैं अभी ना, अच्छा लगा यहाँ पे आके। दोस्तों अंकिता तो रह गई पोसवाल जी के उधर घर पे, मैं दूसरे घर पे आया हूँ जो नया बना रहे हैं, ये ऑफिस ही बना रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ घर बना रहे और ये ऑफिस ही बना रहे हैं इसको। ओ भाई देखो कितना ऊंचा है, बुर्ज खलीफा लग रहा है। तो और इसका मतलब जो नक्शा इन्होंने बना रखा है बहुत ही प्यारा है चारों तरफ से। तो गाइज मैं आपको समझा देता हूँ, ये है ना पोसवाल जी के छोटे वाले भाई। तो दोस्तों हम लोग रोटी खा रहे हैं, दाल की सब्जी और रोटी, और ये लोग भी खा रहे हैं। आओ भैया क्या हाल चाल। बढ़िया भाई, और भाई। आपसे मिलके तो अच्छा लगा, थैंक यू भैया। झूठ मत बोले यार, बात कर रहा था आपने बोला मेरे से क्यों आ रहे हैं, आए हैं वो। अच्छा मैंने बोला मैं जब फेसबुक खोलता हूँ तो सबसे पहले वही आता है, मतलब आपके नाम से आता है, बाकी रील्स वगैरह तो आती ही रहती है। चलो भाई पोस्टवाल जी आ गई इंडियन आर्मी। राम राम साहब, बढ़िया तबीयत पानी, कैसे हो सर। राम राम भैया। राम राम सर जी। अरे यारे बड़ा आदमी पेरा पौना करा सामने।
मैं गाड़ी से नहीं हूं। राम राम भाई साहब, 1 बजे यार पहुंचे थे। आ गया साहब 3 बजे सीखा गया। एक खेरपुरा से कोई गांव है जहां को सब्सक्राइब मिल गया था पेट्रोल पंप पर, आर्मी में वो मैं दिल्ली पुलिस में वो कर ले गयो फैमिली चाय वाय पिलाया, वीडियो बना बना गया हुआ। तो गाइस ये भैया आया मिलना, कहां से हो भैया? अच्छा जहांगीरिया से। तो कोई 200 पद हो जाओ मां के लिए, 200 पद हो जाओ मां के लिए। अब सब फेसबुक पे आते ना वो शॉर्ट वीडियो। हाँ 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 चलो धन्यवाद। हाँ किसको देखते हो? दोनों को कर रखा है फॉलो। अरे थैंक यू भैया, इन्होंने तो फॉलो ही नहीं कर रखा। या भाई ये बिजी रहते हैं आप सारा अभी कोमल है। अच्छा या तक बात, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद भैया आप मिल पाए आपके लिए। तो गाइस अब अंकिता भी आई है भाई, और ये जब से कैद हुई है ना अंदर तब से अब निकल के आई है भाई बाहर। कितने बजे आए थे अपन छोटू? कितने बजे आए थे? 3 बजे गए थे ना, 3 बजे बाद में आप भाई। अरे अंकिता भाई साहब से तो मिल ला, मिल ली क्या? अंदर जाके जा, पहले आया तो मैं बात करता हूं। अच्छा अच्छा तो कहाँ चले गए थे तू? तो हमसे तो मिलने नहीं आए। छोटू तो बोल रहा था कि भाभी जी तो क्या पता नहीं कहाँ खो गए। गाइज रात के बज चुके हैं 9, और ये पोसवाल जी का घर ऊपर से ऐसा है कुछ इस प्रकार का, 3 मंजिल है। तो है ना अंकिता भाभी जी और माता जी सब उधर बच्चे बातें कर रहे हैं, और नीचे तराई चल रही है शायद, लेकिन बहुत प्यारा व्यू आ रहा है भाई नाइट का भी। इधर तो देखो इधर आसपास में घर है इनके भाई बंदों के, लेकिन घर वर तो इन्होंने अच्छा बनाया है, शायद घर नहीं है ऑफिस ही बनाया है इन्होंने यहाँ पे। तो गाइज धर्म सिंह भैया से सबसे ये लोग मिल लिए, लेकिन इस भैया की क्या है कार है ना कई बार लगी हुई है, तो इनका जाना जरूरी था। तो मैं कहा भाई तुम निकल जाओ, राजवीर भाई आ रहे हैं राजवीर गुजर बस्सी, तो मैं उनके साथ सुबह जाऊंगा। ये भी सही है ना, हमको भी 2-4 चीजें देखनी है, इनका जो वीडियो बनाना है तो हम बना बनो के फिर निकल जाएंगे सुबह ना। तो मिलते हैं कल जगतपुरा में, ठीक है? बाय बाय। पीछे और घूमगा हमारे ये चक्कर क्या जान दे के जा कैमरा लेर भाग कर इसे क्या ये गुनियार मन। अरे मस्तराम जी मुझे पता चल गया था बेटा, मैं इसलिए मैं पता है मैं कहाँ था दोस्तों, मैंने अभी मेरी बाइक बगाई, मैं पहले राजवीर भैया से पहले पहुँचता हूँ। यो तो दे दिया डायलॉग से लंबा, देखो भाई साहब आ गया ये भी मिलवा, लेकिन ये माँ को फोन उठा हुआ आजकल फोन देख लो खाल को फोन दे वो खाल का भाभी जी को मैसेज आओ, क्योंकि भाभी जी माने अंदर की इन्फॉर्मेशन देती रहता आजकल भाई, वो बिजी था ऐसे थे, क्योंकि भाभी जी इनकी सफाई देने में लगी रहती है जबकि कुछ भी बिजी नहीं थी। कल देख लो नसीब कहाँ मिला दिया, आप नहीं मिलना चाहते थे लेकिन फिर भी मिल गए। बार बार मिलाते रहे वो तो देखो लिखा जो तो कहीं नहीं जाएगा। हाँ वो तो घूम फिर के वहीं आ जाएगा आदमी, बस वही तो बात है ना, इसलिए भागने की कोशिश मत करो। दुनिया बहुत छोटी है। कैसे अंकिता जी? बस बढ़िया, आप कैसे? हम तो बढ़िया ही, हम साहब से मिलने तो आए हैं। नहीं हम इधर तो मिलेंगे, वो नहीं हमें खबर मिल लगी थी कि आप इधर आए हुए हो, तो हमने सोचा कि नहीं सही सही बताओ ना आपको। मैं वो सोचे हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए थे, बता दिया मेरे को। हाँ तो इसकी मैंने बोल दिया इनको कि मेरा नाम मत लेना, आने दो पहले उनको इधर।